आजकल के गुंडे भी कमाल करते हैं। एक बड़े सेठ की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी। ये तू क्या पढ़ रहा है केशव? अरे गोखले, छोटा स्टेडियम नाम के एक गुंडे ने एक बड़े सेठ की हत्या के लिए 5 करोड़ की सुपारी ली। बाद में वो छोटा स्टेडियम पकड़ा गया। अबे ये अंडरवर्ल्ड की बातें है केशव। ए गोखले, एक बात बता, तू पान कौन सा खाता है? बनारसी 120। और सुपारी कौन सी, कच्ची या पक्की? केशव तू पान सुपारी पर रिसर्च क्यों कर रहा है? ठेला खोलने वाला है क्या? शट अप गोखले, मेरी बात सुन, तू समझ नहीं रहा। देख, अगर तू मेरा साथ देगा ना, हाँ, तो हम भी लखपति बन सकते हैं। तू ये क्या कह रहा है केशव, तू ठीक तो है ना? देख गोखले, हम भी छोटी मोटी सुपारी लेना शुरू कर दे तो। तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों ये खून खराबे वाले सुपारी की बातें कर रहा है? केशव इस सुपारी के झंझट में इतने डंडे पड़ सकते हैं कि कतरी सुपारी चबाने के लिए भी मुंह में दांत नहीं बचेंगे। अरे तू नहीं समझ रहा है गोखले। देख, मैं वो बड़ी सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ, खून खराबे वाली सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सादी सुपारी की बात कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर हमने शर्मा की बीवी से सुपारी ली। अच्छा। शर्मा पर वॉच रखने के लिए। हाँ। बाद में अब शर्मा पर वॉच रखेंगे। हाँ। कि शर्मा का बच्चा कहाँ जाता है, कौन सी लड़की से मिलता है, उसके साथ क्या चक्कर चलाता है। लेकिन केशव, ऐसी बातों के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो मिल जाएगा ना। मैंने 2 दिन पहले एक पेपर में पढ़ा था कि रसीला और सुरीला नाम के 2 गुंडे सुपारी इंस्टीट्यूशन नाम की एक शाला चलाते हैं। शाला मतलब स्कूल चलाते हैं, जहाँ हम जैसे नए गुंडों को ट्रेनिंग दी जाती है कि सुपारी का मतलब क्या होता है, सुपारी कैसे ली जाती है, सुपारी की प्रोसीजर क्या होती है। लेकिन उनकी फीस क्या है? 10%। हम जो भी सुपारी लेंगे उसके 10% उन लोगों को देना पड़ेगा। यानी कि ये 10% देने के लिए पहले हमें कोई छोटी सुपारी ढूंढनी पड़ेगी। यस। मेंढक टोमेटो फ्राई बनाने की रेसिपी। प्यारी बहनों, पहले फ्रेश वाटर में से एक फ्रेश मेंढक को पकड़ लीजिए, उसकी टांगे खींचकर उसको अच्छी तरह सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए उसको ठंडे पानी से नहला दीजिए। जब वो नहा ले तो उसको गर्म पानी की बाल्टी में डालकर उसको निचोड़ लीजिए। इसके बाद मेंढक को गैस के पास रख दीजिए, जहाँ पर नमक, मिर्च और बाकी सारे गर्म मसाले तैयार हो। याद रहे बहनों, याद रहे, अगर मेंढक के दिल की धड़कन दोबारा शुरू हो जाए तो उसको एक बार फिर से गर्म पानी की बाल्टी में डालकर निचोड़िए। और निचोड़ने के साथ उसको क्या कर रहे हो तुम? डॉल, मैं तुम्हारे लिए मेंढक टोमेटो फ्राई की रेसिपी सीख रहा हूँ। नहीं खानी मुझे तुम्हारी टोमेटो मेंढक फ्राई। इडियट। डॉल, तुम आज कुछ परेशान हो? एनी प्रॉब्लम? आई हैव अ प्रॉब्लम डॉल। आई मीन आई हैव अ प्रॉब्लम डॉल। लेकिन मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए। वो आदमी आपके सामने हाजिर है प्रेमा जी, बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है? मेरा मतलब क्या प्रॉब्लम है? ओके कुची, जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तो आप मेंढक की तरह कूद के भगवान की तरह दौड़ के मेरे सामने हाजिर हो। डॉल क्या बात कर रही हो, मैं भी तो हमेशा किचन से दौड़ के आता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, अपनी सड़ी हुई रेसिपी की बदबू लेकर। तुम्हें से बात कर, आज मैं बना रहा हूँ मेंढक टोमेटो फ्राई। कल मैं केकड़ा टोमेटो फ्राई भी बना सकता हूँ। केकड़ा टोमेटो फ्राई मतलब क्या कहना चाहता है तू? जो मैं कह रहा हूँ बताइए प्रेमा जी, दिल खोल कर बताइए। केकुजी, आजकल जिस फिल्म की मैं शूटिंग कर रही हूँ उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर टोनी कपूर है। ओ, टोनी द टेरर। कहीं वो टोनी का बच्चा आपको फिर से परेशान तो नहीं कर रहा है? करेक्ट। मुझे सेट पे कभी कभी छोटी मोटी गालियां देता है। ओ, कहता है ये टेक ठीक नहीं है, रीटेक करो। ओ, और केकुजी इधर आइए। कहता है छोटे 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 कपड़े पहनने के लिए, छोटे छोटे कपड़े पहनने के लिए कहता है, उसकी ये जुर्रत। अरे यार क्या कर रहा है यार, मैं टोनी कपूर नहीं हूँ भाई। सॉरी सॉरी। प्रेमा जी, तो उस टोनी की फिल्म आप छोड़ क्यों नहीं देती? कैसे छोड़ोगे कुछ है? मेरी पहली फिल्म में ब्रेक टोनी ने ही मुझे दिया था। बलखाती जवानी वाटर फिल्म, प्रेमा जी वाटर लैंडमार्क। उसमें वो जो स्विमिंग पूल वाला सीन आपने किया था, इतने बड़े स्विमिंग पूल से आप इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर बाहर निकलती है, वाटर फिल्म। आप नहीं मानेगी प्रेमा जी, वो फिल्म मैंने पहली रो में बैठकर 18 बार देखी थी। अरे यार तू कितनी लंबी लंबी छोड़ता है? वो फिल्म तो 2 शो नहीं चली थी, तूने 18 बार कहां से देख ली? अरे ठीक,
ठीक है प्रेमा जी, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते। तुमने कभी टोनी कपूर को देखा है? क्यों? अरे लंबा चौड़ा हाथी है, तुम्हें दिन में तारे गिनवा देगा। ये दिन में तारे कितने दिखाई देते हैं तुझे पता है? दिन में कितने तारे दिखाई देते हैं दोस्त? दोस्त दिन में 2560 तारे दिखाई देते हैं। इतने कम दिखाई देते हैं दोस्त? दिन में कम दिखाई देते हैं ना दोस्त। अगर यकीन नहीं हो रहा है दोस्त तो जा ऊपर जाके गिन के आ। मैं अभी गिन के आया दोस्त। जा अभी गिन के आया। चला गया। खुशी प्रेमा जी, पहले आप मुझे ये बात बताइए, आप मेरे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी सिंपल, एक काम कीजिए प्रेमा जी, ये लीजिए मेरी फोटो, ये फोटो टोनी कपूर को दे दीजिएगा। उससे क्या होगा? उसे कहना है कि एक स्ट्रगलर की फोटो है, वो फिल्म में काम करना चाहता है। इस बहाने मैं सेट पर आऊंगा, टोनी को मिलूंगा और उसकी तो समझ गए ना आप। लेकिन प्रेमा जी, ये काम के लिए आपको मुझे सुपारी देनी पड़ेगी। ओके गुजी, इस काम के लिए सुपारी तो क्या, पान बीड़ी मांगेंगे तो वो भी दो। नहीं नहीं, वो सुपारी की बात नहीं कर रहा हूँ प्रेमा जी, मैं ये सुपारी की बात कर रहा हूँ। यस ओके गुजी, आई एम सो डेस्परेट, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ आपको। लेकिन आप ये तो बताइए, कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो बहुत कुछ प्रेमा जी, लेकिन वो हो बाद में बताऊंगा। पहले काम कीजिए प्रेमा जी, आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। क्या है? नहीं, वो क्या है, सुपारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने की ये जरूरी है। वहां जाके मैं बताऊंगा मैंने आपसे सुपारी ली है तो मुझे फॉरन एडमिशन मिल जाएगा। थैंक यू प्रेमा जी, थैंक यू वेरी मच। नहीं 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 हेमंत भाई, नहीं, मुझे मेरी नई फिल्म के लिए दो रोमांटिक फेसेस चाहिए। पता नहीं अब कहाँ कहाँ से रुकी सुखी लड़कियां भेज देते हो। और सुनिए, लड़की को फिल्म साइन करने से पहले ही बता दीजिए कि फिल्म में 6-7 बलात्कार होंगे, 5-6 रोमांटिक सॉन्ग्स होंगे और हर सॉन्ग में बारिश में भीगना भी पड़ेगा। बाद में क्रिकेट नहीं चाहिए। हाँ, पैसे आप चोपड़ा साहब से ले लीजिए। हाँ ठीक है। पापा, पापा, आपकी इस नई फिल्म में मैं काम करूं? नहीं बेटा जी, तुम अभी बहुत छोटी हो और ये लाइन में कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अपनी बेटी को इतनी जल्दी लॉन्च नहीं करता, और कपूर खानदान में कभी नहीं। पापा, आप हमेशा ये कहकर मेरी बात को टाल देते हैं। अब इस बार मुझे कुछ नहीं सुनना, आपकी इस नई फिल्म में तो काम मैं ही करूंगी। नहीं बेटा, तुम ये लाइन में नहीं आ सकती हो, तुम्हें मालूम नहीं ये लाइन। पापा, अगर आपका यही फैसला है तो मैं अपनी लॉन्चिंग फिल्म खुद प्रोड्यूस करूंगी। क्यों रे छमिया, अच्छी हुई शुरुआत तो अच्छी हुई। अच्छा एक काम कर, तू अपुन का एडमिशन लिख। जिससे सुपारी लिए उसका सर्टिफिकेट लाए है आप? एडमिशन के वक्त सबमिट करना पड़ता है। लाए है सर्टिफिकेट लाए है। मशहूर फिल्म स्टार है ना प्रेमा शालिनी, उनसे सुपारी लिए। ये रहा आप उनका करेक्टर सर्टिफिकेट। आज ही शुरू करोगे? हाँ। तो जाइए, लेक्चर शुरू हो रहे हैं। हाँ, वैसे इस सब्जेक्ट के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं? फिलहाल आप दोनों है, खून चोरी और बलात्कार के बैचेस अक्सर फुल हो जाती है। और टीचर कौन है? हमारे इंस्टीट्यूट के मालिक, तिहार जेल रिटर्न रसीला दादा और सुरीला दादा। जाइए जाइए, अंदर जाइए, एडमिशन की फॉर्मेलिटीज हम बाद में करेंगे। केशव, चले चले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां कुछ भी ना हो, सिर्फ सुपारी हो, सिर्फ और अपना ही राज चले। आ चले। कौन है तुम लोग? अपुन का नाम है केशवा बनारसी और ये खोखला देसी। अपुन दोनों को? हाँ समझ गया किसको धमकाना है बोल। ए, तूने प्रेमा शालिनी का नाम सुना है बे ढक्कन? बाबा अपुन जानता है उसको। अरे जिसका 5 साल नॉमिनेशन होने के बाद जिसको अवार्ड नहीं मिला, वाइच टोनी कपूर। टोनी कपूर नाम का एक फिल्म बनाने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। अरे बापू, अपुन भी उसको जानता है। हाँ, जिसने मिस्टर अमेरिका बनाई थी, वाइच सुनील कपूर को लेकर। उसकी खुजली बहुत बढ़ गई रे। वो हमारी हीरोइन प्रेमा शालिनी को बहुत ही तकलीफ देता है। अच्छा अच्छा भाई, तो ये प्रेमा शालिनी आपकी कौन लगती है? वो अपन की बोले तो घरवाली लगती है। घरवाली नहीं बे, घरवाली पड़ोसन। पड़ोसन मेरे सामने वाली खिड़की में देखने चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा बहुत उखड़ली रहती है। कैसा बहुत उखड़ली रहती है। मुझे लग
देता है पढ़ाई शुरू करे। बाय द वे, ये टोनी कपूर बहुत बड़ा मालदार लगता है। अरे वो अपुन को मालूम नहीं रहे। अरे अपुन को मालूम है ना, जिसने अपने भाई को लेकर एक बिग बजट फिल्म बनाई थी, रब की काली चोरों की टोली और थिएटर खाली। अरे तेरे को क्या करना है रे, थिएटर खाली रूप की काली, अपुन को सिर्फ उसको कांटे पे लेना है। ये सुनीला, कांटे पे लेने का मतलब? कांटे नहीं कटते दिन ये रात कहे। अच्छा ठीक है, किताबें निकालो। हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास। अरे ये तो सॉलिड स्टूडेंट लगता है एकदम, मोस्ट ओबीडिएंट। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। रोल नंबर वन, रोल नंबर टू। सबक पहला, टोनी कपूर काफी मालदार लगता है। एक्शन। मैं उस खेत की मूली उठाकर जिसे अगर तूने चबाने की कोशिश की ना तो तेरी आंखों से पानी आ जाएगा। कट 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 कट। क्या कर रही हो प्रेमा, क्या कर रही हो, क्यों मेरा रोस्टो खराब कर रही हो? और आंसू क्या मुंह से निकलते हैं? और डायलॉग बोलते वक्त कितनी बार कैमरे में देखती हो? नॉनसेंस, मैंने कभी एक बार भी कैमरे में नहीं देखा। मुझे सिखा रही हो कैमरे के सामने कैसे खड़ा रहना, वो मैंने तुम्हें सिखाया है। डैडी, अगर ये डायलॉग नहीं बोल पा रही है तो ये रोल मैं करूं? शट अप। अरे ऐसे डफर एक्टर्स को ठीक करना मुझे बराबर आता है। तो जाओ ऐसे। छोड़ रे कोखला, इस झामरू को तो मैं काट डालूंगा, छील डालूंगा। रे नहीं 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 केशा, नहीं रसीला दादा के पहले चैप्टर में मारपीट नहीं है। चल ठीक है, तू बोल रहे ला इसलिए छोड़ दिया रे। ए फुंत्रो, इधर आ बे, इधर आ। जीवा गोखला, उस झामरू का तब तक पूछ ले रे। अबे तेरा ये डायरेक्टर कहाँ रहता है? बैंड्रा पालील में। अच्छा अभी अभी जो लड़की गई वो कौन है? वो उनकी बेटी है, जूही कपूर। अच्छा वटकले वटकले। प्रेमा जी, प्रेमा जी, प्रेमा जी, नहीं प्रेमा जी। क्योंकि आपने देखा किस तरह से बदतमीजी से पेश आया वो। हाँ प्रेमा जी, मैं कब से देख रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र ना करें, दो ही दिन में मैं उसको ठीक कर दूंगा। अच्छा प्रेमा जी, मेरी फोटो आपने उसको दी? दी ना। अच्छा वो सुपारी वाला जो सौदा है उसे भूलिएगा मत प्रेमा जी। नहीं भूलूंगी किकुजी, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा। गोखले, मैं जो मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। प्रेमा जी आपका सारे डे रेडी। ये रे फंत्रो, शॉट रेडी है मतलब क्या रे? चल बटक। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रेमा जी आप जाइए, शॉट रेडी है, जाइए प्रेमा जी, जाइए। लाइए प्रेमा जी, चाहिए प्रेमा जी। वैसे केशव मुझे एक बात बता। हाँ? प्रेमा जी से तूने सुपारी के तौर पर क्या मांगा है? अरे अभी तक मांगा का है, मांगना बाकी है। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इस धंधे में मैं तेरा बराबर का पार्टनर हूँ। हाँ तो पार्टनर है ना, तो प्रॉफिट भी बराबर ही का होना चाहिए। हाँ, ना तो प्रॉफिट। सुरीला, हाँ? एक बात मेरे दिमाग में आ रही है। बता जो कुछ कहना है। देखो ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर टोनी कपूर की बेटी जूही कपूर को, हाँ? अगर हम लोग किडनैप करें तो करोड़ों रुपए मिल सकते हैं। हाँ जरूर मिल सकते हैं। तो बेटा ये रही जूही कपूर की फोटो, पैसा निकाल के रखना, गाड़ी सजा के रखना, लेने तुझे हो जूही आएंगे तेरे सजना, पैसा निकाल के रखना। मिटा दिया मेरा नामो निशान, मिटा दिया तुमने। अरे इंटेंसिटी कहाँ है, घर पर छोड़कर आई हो क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि बाएं हाथ से बंदूक उठाओ। हाँ तो मैंने बाएं हाथ में ही बंदूक उठाई है, सब लोगों का बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड पे ही होता है। मालूम है मुझे, मैंने कहा तुमने कर दिया। अरे मैं तो गधा हूँ, तुम भी गधी हो क्या? अरे अपना दिमाग कब इस्तेमाल करोगी? अगर दाएं हाथ से उठाया होता तो मेरा क्या फ्रेम बनता था, पता नहीं मैंने ऐसे डफो एक्टर्स कहाँ से इकट्ठे किए। अगर इनसे नहीं हो रहा है तो बंदूक मैं उठा लूं। शट अप एंड गो। क्यों मेरे चामरू, क्या तूने दो तीन फ्लॉप फिल्म बनाए तो अपने आप को बहुत बड़ा डायरेक्टर समझ रहा है? प्रेमा ये तो वही स्ट्रगलर है ना जिसकी फोटो तूने दिखाई थी मुझे। इधर देख के बात कर बे। आप उन वही जेबुल क्या करेगा, क्या करेगा तू? ये देखा है रे, क्या ये सब क्या है गोखला? अबे सुपारी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट और आई कार्ड B+ ग्रेड में पास हुए समझा गया। देख बे टाइम पास,
आइंदा तूने प्रेमा जी को तकलीफ दिया ना तो तेरे को काट डालूंगा, तेरे को छेल डालूंगा, तेरी जो बेटी है ना उसको किडनैप कर लूंगा क्या? और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके चने के पुड़ी में डाल के तेरे पास भेज देंगे, चौपाटी पे बैठ के खाना, समझा क्या? मुझे धमकी दे रहे हो? फालतू फालतू लोग, हेमंत भाई पुलिस को बुलाओ। गोखले ये तो फंस गए, क्या करेंगे? भाग यहाँ से केशव भाग, नहीं तो सुपारी भी नहीं मिलेगी, चबाने के लिए दांत भी नहीं बचेंगे। तेरे को बाद में देखता है, प्रेमा जी संभाल लेना। और प्रेमा तुम्हारी ये हिम्मत कैसे फालतू लोगों को यहाँ बुलाती हो मुझे धमकी देने के लिए? जाओ अंदर जाके बंदूक उठाने की प्रैक्टिस करो, जाओ। गोखले टोनी कपूर ने हेमंत भाई को बुलाया, अब उनको लगता है हेमंत भाई भी कोई बड़ा भाई है। रुको। ए बुलबुल तूने अपन को काई को रोका रे? मेरा नाम जूही कपूर है। ए, हम जानता है तुमको। जब तुम लोग मेरे पापा को धमका रहे थे तो मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी। तो मैं तुम लोगों को सुपारी देना चाहती हूँ। सुपारी तू देगी? हाँ, और वो भी 25 लाख की। 25 लाख? गोखला गोखला देसी, अपने इमोशन को कंट्रोल करो, सीधे खड़े हो जाओ, पहला कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। तुम दोनों को मुझे किडनैप करना होगा। किडनैप? और मेरे पापा से 50 लाख रुपए की मांग करनी होगी। मेरे लिए पापा ये रकम तुम लोगों को फौरन दे देंगे। रकम मिलते ही 25 लाख तुम मुझे देना और बाकी के 25 लाख खुद रख लो। अच्छा, ये बुलबुल तू इतने पैसों का क्या करेगी बे? फिल्म में काम करना है, लेकिन मेरे पापा मेरे लिए कोई फिल्म लॉन्च ही नहीं करते। अच्छा। इसलिए मैंने तय किया है मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस करूँगा। गोखला, ए गोखला जैसी, अरे ये तो बेहोश हो गया। ए गोखला जैसी, क्या बोल रहे है? सुपारी ले ले क्या? 25 लाख मिल रहे हैं केशवा, सिर्फ हमें किडनैपिंग का कोर्स करना पड़ेगा। अरे वो तो हम कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी मुश्किल है? मुश्किल मुश्किल बोलना पड़ता है ना, रसू भाई और सुरू भाई मुश्किल बोलते तो हम भी बोल लेते हैं, मुश्किल है। तो क्या मैं हाँ समझू? हाँ हाँ, लेकिन कब कहाँ कैसे मिलना है वो रसू भाई और सुरू भाई को बोल के हम तेरे को बता देंगे क्या? नो प्रॉब्लम, डन डन डन। क्या बात है केशु, इतना बंठन के आज कहाँ जा रहे हो? अरे खोकी, आज तेरा मर्द एक ऐसा काम करने के लिए जा रहा है जो पूरा होते ही या तो तुम्हें जूते पड़ेंगे या पुलिस के डंडे। बस क्या, इतना इस वैल्यू किया आपने मर्द का? केशु, जो काम करने जा रहे हो वो सीधी तरह से करो, क्या कर रहे हो तुम? परसों शर्मा जी का फोन आया था, कह रहे थे ऑफिस के काम में तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, गोखले के साथ पूरा दिन बैठकर टपोरी की तरह पान चबाते रहते। अरे तेरे को क्या मालूम कोकी, उस पान में डाला हुआ सुपारी का कीमत कल 25 लाख होने वाला है। 25 लाख वो छोड़ो, पहले मुझे पैसे दे दो केशु, घर में राशन नहीं है, चिंटू की फीस देनी है। अरे तू काय को रे सुबह सुबह नस्टर दे रही है, एक बार अपुन के पास 25 लाख आने दे, तेरे लिए एक राशन का ट्रक और चिंटू के लिए एक मीडियम इंग्लिश स्कूल खरीदेगा। ये केशा, ये बतूले अपुन को मत दे, चल वटक ले वटक ले। वटक ले? चल वटक। अच्छा कोकी भाई, तू भी भाई बन गई क्या? जाता है क्या? अच्छा, जाता है, तुम जाते है, एक मिनट है, यहाँ पाउडर का वेस्टेज गिरेला है, वेस्टेज नहीं करने का कोई भी चीज कुछ नहीं क्या? तू भी थोड़ा लगा ले, चिकनी दिखेगी। जाना? चल अपुन चलता है भाव। आज इसको जरूर पढ़ने वाली है। अरे गोखला, क्यों बे इतनी देर क्यों कर दी? अरे क्या करेगा रे, सुबह सुबह कोकी ने पनौती लगा दी। अच्छा वो जूही आई कि नहीं? अबे उसका तो इंतजार कर रहा हूँ यार। तू तो कितने बजे आया? मैं 11:05। अरे काहे को रे 11:05 पर, तेरे को बोला था 11 बजे आने को। अबे बीवी के मायके गया था। काहे को बीवी के मायके? जरा ससुर को खर्चा पानी दे यार। अच्छा किया अच्छा किया। एक बात बोलू रे गोखला, ये बीविया होती है पनौती, मुझे तो लगता है कोकी की भी एक दिन गेम बना डालूंगा। अच्छा वो जूही आई नहीं या फिर आके चली गई? ये क्या रे? कौन है बे? बॉस कौन सा बॉस? तुम लोग केशव बनारसी के आदमी हो ना, उसी ने भेजा है तुम्हें मुझे किडनैप करने के लिए। झूठ बोले कौवा काटे। चुप। मुझे भूख लगी है, जाके मेरे कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मिल जाएगा। अरे पहले तेरे बाप से पैसे तो मांगने दो। मांग के साथ तुम्हारा मैंने। चुप भेसुरा, अब की बार अगर तूने गाना गाया तो तेरे गले में उबला हुआ तेल डाल दूंगा।
तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तुम्हारा बॉस कहाँ है? अरे क्या है, वैसे तो एक और तेरे बाप से मांगने है ना, वो रखने के लिए हमारा बॉस सूटकेस खरीदने चोर बाजार गया है। एक करोड़? हाँ। लेकिन बात तो 50 लाख की हुई थी, जिसमें से 25 लाख मेरे और 25 लाख तुम्हारे। I mean, तुम्हारे बॉस की। लेकिन अब की बार हमारे बॉस ने फैसला बदल दिया है। हाँ। वो क्या है कि 50 लाख के बजाय हमारा बॉस 1 करोड़ रुपया मांगने वाला है। तो मुझे कितने मिलेंगे? कुछ ना कहो, नहीं सुना है। कुछ भी ना कहो। देखो पैसे तो हम मांग लेंगे, पहले तुम्हारे घर का फोन नंबर तो बता दे। 6202601020। हेलो मिस्टर टोनी कपूर, हम केशवा बनार से बोल रहा हूँ। केशु? क्या बे? केशु, तुम्हारी तस्वीर छपी है अखबार में। क्या बात कर रही है, दिखा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने जूही कपूर को किडनैप किया है? किडनैप? नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा है। क्या? केशवा बनारसी की 1 करोड़ की मांग, नहीं तो जूही कपूर के छोटे छोटे टुकड़े। केशु, ये साइड बिजनेस तुमने कब से शुरू किया? देखो कि ये सब गलत छपा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या केशु, मैं कितनी खुश हो गई थी, मुझे लगा तुमने वाकई ऐसा कुछ काम करके दिखाया है जिसकी वजह से तुम्हारी तस्वीर अखबार में छपी है। इस तस्वीर को तो मैं मेरी सारी सहेलियों को दिखाना चाहती थी, फिर कैसे सारी की सारी जल जल कर राख हो जाती। खा ले बेटी, खा ले। हाँ, ये तू गाना मत गाना, तू भी खा ले। हाँ जूही, अरे बॉस चुप बैठ, मैं तू चुप बैठ। देसी ये माल तो इधर ही पड़ा है, इसका मतलब ये दो जन अपुन के साथ गेम खेल रहे है। वो तू दे। ओके, क्यों बे, तू अपुन के साथ गेम खेल रहे है बे टक्कन। तू अपुन के साथ और बेचारे गोखला देसी के साथ डबल गेम खेल के ये पूरा माल हड़पना चाहता है। ए, मेरे साथ नहीं तेरे साथ, समझा क्या? मेरे साथ अपुन के साथ गेम खेल कर ये पूरा माल हड़पना चाहता है ना? अरे बॉस, लेकिन आप जो बैठ में कुत्ते खमीले। केशवा जी, आप अपने ही आदमियों पे नाराज क्यों हो रहे हो? पापा आपके 1 करोड़ रुपए लेकर आते ही होंगे। 1 करोड़? हाँ। लेकिन अपुन ने 1 करोड़ रुपए मांगा ही नहीं। तो कितना मांगा? अरे अपुन ने तो रिजनेबल अमाउंट मांगा है, 50 लाख रुपए। अच्छा, इंस्पेक्टर जोशी तुम्ही इथे कसे काय? कसे काय, तुला आमच्या घरी न्यायला आलो येतो का? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो केशवा बनारसी जिसने मुझे किडनैप किया है। अच्छा, चल तुझे अभी अंदर वन साइड लेता हूँ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अपन का 2 साइड है। किधर है? ये दूसरा साइड इधर बैठा है, उसको भी राइट टर्न में अंदर लो। जूही बेटा कैसी हो तुम? रसीला दादा, सुरीला दादा, आपने मेरी बेटी को वो केशवा बनारसी के हाथ से बचाया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं आप दोनों को अपनी फिल्म में रोल दूंगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको कमिश्नर साहब बनना है? हाँ बनना है। पहले ये हाथ निकाल। देख बे, तू अपन को सुपारी दे। हाँ। अपन अभी का जो कमिश्नर है ना। हाँ। उसको उड़ा डालेगा। क्या? चलो।